वंदे वाणी विनायक नमस्कार संस्कृतालय को स्वागत करुस्मिता फ्रेंड्स आम बाच्य पर आलोचना करते तो आम पूर्व देखी सारी बाच्य पर कौन सब प्रकार भेद रही किपर आम बाच्य पर अर्थात कर्तृवाच्य किपर आम कर्मवाच्य भाववाच्य परन करवा से सब आलोचना करते छड़ा आम देखी कौ धातु रूपर किपर पर क्यों मात्राटा किभली भाव में परिवर्तन हे ताकूली से सब भिड आपण को मो चैनल प्लेलीस्ट मिल जाव ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं तरह मुझे लिंक देदेवि आई बटन में ना लिंक देदेवि आप चेक करें तो आज आम देखा तिंगंत क्रियार बाच्य परिवर्तन तेल तिंगंत कौन सुबंत कौन ताओ मो चैनल अच्छी तथा मुझे रखे आम जो धातुटे नौजे पे धातु हूँ आमर कौन ना गोटे तिंग तिंग माने से धातु जिते तीप तस झी आदि जो आमर अठरटा प्रत्यय अच्छी जिते बड़े गोटे धातु बा क्रियापद सहित से संयुक्त हो जाए गोटे धातु रूप होमती कि गम धातु गम धातु आम तीप प्रत्यय लगे देलापर कौन हो गती रूप हाँ ना नहीं तो गीटा जो होगा कौन होगा ये गोटे तिंगंत बुझेगा तो मैंने तीप आदि जो प्रत्यय गुड़ाक जितेबाला धातु पर लगी था जहाँ पर से प्रयोग हेबे कह तिंगंत प्रत्यय बोली जो आम देखा तिंगंत क्रिया जहाँ भी आम देखीजे जितक भी धातु रूप अच्छी जिते सब क्रियापद अच्छी किपर साधारणतः परिवर्तन करवा से सब उपर आज भिडियो आम डिस्कसन करवा से भिडटी को लास्ट पर्यटन देखिए जदि भल लगे निज फ्रेंड्स मान सहित सेयर करने गोटे छोटिया लाइक टे जमार भूलें तो आरंभ करवा आज विषय पिले आम जाचे धातु रूप हूँ दुई प्रकार कौन कौन ना परस्मय पदी धातु गोटे रहा गोटे आत्मनिपदी धातु तेज जिते भी सब परस्मय धातु हूँ आत्मनिपदी धातु हूँ समस्त आम दुई प्रकार विभक्त कर कौन कौन ना गोटे हूँ सकर्मक आ गोटे हूँ अकर्मक अर्थात जो धातु मानकर किसी कर्म थी कर्मयुक्त जदि हो पारे आम कह सकर्मक धातु आज जो मान कर्म नाकू अकर्मक धातु बोली कह तो पूर्वर गोटे भिडियो मुझे तुमको बुझे थी जो सकर्मक कौन अकर्मक कौन तथापि आ गए उदाहरण ये देदे राम खादती तो ये कौ धातु लगी पे ना खाद धातु लगी खाद धातु तीप प्रत्यय हो मैंने तिंगंत क्रिया यहाँ जापरले आम तिंगंत क्रियापद ही अटे तो जो खाद धातु सहित राम लगी तार अर्थ कौन राम खाऊ तेब राम खाऊटे ये आम किपर जाना जे खाद धातुटा सकर्मक ना अकर्मक किपर जाना प्रश्न करने मुझे कौन प्रश्न कर राम कौन खाऊ ना राम आम निहाती भाव में किसी कहपर भात खाऊ कि मिष्टान्न खाऊ जहाँ भी आम गोटे लगे पार तो ये खाद धातुटा हूँ कौन हो गला ना सकर्मक हो गला कहीं खाद कौन खाऊ प्रश्न कले आम गोटे उत्तर पलैस यही जिनसटा को खाऊ किसी ना कि गोटे कर्म रोचे तो राम हाँ अन्नम खादती जदि ये कर्मटा उह्य हो रही कर्मर सूचना दि जाए ना तथापि आम जापे खाद धातुटा हूँ गोटे सकर्मक धातु कहीं आम खाद कौन बोली प्रश्न कले आमको उत्तर मिल पारे ठीक अच्छे किंतु ये देख राम हसती ताने राम हसुची तो हसती धातु कौन होमर हस धातु तो ये आम कौन बोली प्रश्न कले ये कौन करके प्रश्न करवा राम कौन हसुची कहले कि उत्तर आसुच कि तेणु ये गोटे आमर कौन होगा अकर्मक धातु बुझेगा तेरे तुम्हें चिन्ह पार कौन करके प्रश्न करी जे सकर्मक धातु कौटा अकर्मक धातु कौटा किंतु जो तुमको साक्षात यही उदाहरण दि जाए थे जे राम खादती को बाच्य परिवर्तन कर बा राम हसती को बाच्य परिवर्तन कर ये आम देखुचे कर्म किसी ना तेणु आम भाववाच्य भाया परिवर्तन करवा अर्थात क्रियापदर कौन लगे ना धातु प्लस यक प्रत्यय प्लस आत्मनेपदीर प्रथम पुरुष एक वचन ही रूप हम अर्थात लभते जमी आम करे तो से लभते ही रर्थात जो खादतीटा को आम कले कौन ना खाद धातु यक प्रत्यय आत्मनेपदी एक वचन माने ते रूप कौन खाद्यते बुझेगा तो वर्तमान आम कि सकर्मक धातु प्रयोग देखा जो किपर तार बाच्य परिवर्तन आम करे
पूर्वर मु तुमको जहाँ भी नियम कही सब नियम वाच्य परिवर्तन सामान तुम्हें खाली ध्यान देव जे वाक्य किए प्रथम विभक्ति अच्छी आम तृतीय विभक्ति को नहीं आसवा आ जी भी द्वितीय विभक्ति थोड़ा प्रथम विभक्ति को नहीं आसवा है देख सकर्मक ये आम कौन कहले ना ये गोटे कर्म अच्छी कर्म मान जी द्वितीय विभक्ति थी तो ये आम कर्ता होगा राम गच्छति होगा क्रिया वर्ण हूँ कर्म तो राम हम वर्णम गच्छति तार अर्थ कौन राम बण को जाऊँ तो आम कौन जानचे जी भी प्रथम विभक्ति थी वन इज इक्वल टू थ्री करदे रामटा रामर तृतीय विभक्ति कौन हो राम ये प्रथम विभक्ति एक वचन अच्छी तेणु तृतीय विभक्ति एक वचन कले कौन हो गला रामेण बुझेगा वर्णम राम बण को जाने द्वितीय विभक्ति अच्छी तो द्वितीय टाक मुझे कौन कही दुई टू इज इक्वल टू वन होने वर्ण शब्दर प्रथम विभक्ति एक वचन में कौन होर्णम ही हूँ जेहेतु वर्णटा हूँ नपुंसक तेणु वर्ण को वर्णम ही रखिदि है जाए पलि आसे रामायण वर्णम गच्छति गच्छति आम कौन देखु क्रियापद को आसला बेले कौन करवा प्रथम धातु रूपटा को लिखिदे आम धातु आम कौन पकाचे ना यक प्रत्यय पड़ो यक प्रत्यय सहित लव धातुर आत्मनेपदी रूप पड़ो एक वचन आम करवा जेहतु वर्ण ये कौन अच्छी एक वचन अच्छी तेणु आम ये एक वचन ही पकेले तो ये रूप कह गला गम्यते तेल बुझीगला रामेण वर्णम गम्यते किपर जापार ये कर्म अच्छी तेणु कर्मटा को आम कौन कले कर्तारे परिवर्तन करदे आहेतु ये वर्णकर्ता है तो कर्ता अनुसार क्रियापद चलला जेहेतु ये वर्णटा हूँ कौन एक वचन अच्छी तेनालीमें क्रियापद को एक वचन में पकेले आहेतु ये उत्तम जुष्म शब्द नुह कि अस्म शब्द नुह तेनाली प्रथम पुरुष हम प्रयोग कले बुझीगला बर्तमान आउ कि उदाहरण को देखा द्वितीय उदाहरण हूँ राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति एटि कर्ता पद किए पिले राजा राजा दौंती ददाति तो राजा ददाति आसला तो आम कौन करवा ना जी प्रथम आसी तृतीय कर दियो तो राजार तृतीय विभक्ति एक वचन कौन हो राजा ब्राह्मणाय तो ये चतुर्थी विभक्ति अच्छी दानार्थी आम जानचे चतुर्थी विभक्ति हुए जेहेतु आम चतुर्थी विभक्ति कौन से नियम पढ़ने वाच्य परिवर्तन रे तो जमी सेमती ही रखिदे तो राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति धनमटा ये कौन है राजा ब्राह्मण को धन को दौंती द्वितीय विभक्ति हूँ धन ठारे तेणु धन को आम ये कौन करदे प्रथम विभक्ति को नहीं आसवा जेहेतु धन शब्द हूँ नपुंसक तेणु तार प्रथम विभक्ति एक वचन नपुंसक ही रेणु से जमी सेमती सीएम रहीगला राजा ब्राह्मणाय धनम ए जाए आम पलै आसला बर्तमान ददाति ददाति रूप कौन अच्छी पिले धातु रूप कौन दा धातु रु यक प्रत्यय होदि आम आत्मनिपदी रूप करुचे तेल कौन हो दीयते आम जानचे जे आ कारण धातु गुड़ाक दीर्घ ही हो तुमको बुझे थी स्थारु जपर हो स्थीयते से भाई दारु कौन हो दीयते संपूर्ण रूप कौन हो गला राजा ब्राह्मणाय धनम दीयते अर्थात राजा द्वारा ब्राह्मण को धन दिगला बुझे तो राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति ये धनटा एक वचन अच्छी बोली आम एटी एक वचन करके दियोते करदे मनकर धनम न हो कि धनानी होता तमें राजा ब्राह्मण को धन गुड़ी को दौंती धनानी ददाति ताको वाच्य परिवर्तन कला बेले कौन होता ना जेहेतु कर्मटा को आम चेंज करुचे प्रथम विभक्ति को तो मुझे कही प्रथम विभक्ति जी रे ही कर्ता अनुसार ही सब चलो तो ये कौन होता ना धनानी धन शब्द ये बहुवचन होता तेल एटी कौन पर दियतेटा बहुवचन हो जाता जमीती आम करे लभते लभेते लभंते ये कौन हो दिये राजा द्वारा ब्राह्मण को धन गुड़िक दिगला बुझीगला एवं ठीक से बानर वृक्षात फलम खादती माकड़ी गच्छर फल को खाऊ बानर ताको आम तृतीय विभक्ति परिवर्तन कले कौन हो बानरेण वृक्षात जेहेतु से पंचम विभक्ति अच्छी तेणुता जमीती सेमती ही रखा वृक्षात ही रलम खादति अच्छी तो फलम जेहेतु ये आम द्वितीय विभक्ति अच्छी ताको प्रथम विभक्ति करवा तो
तेणु प्रथम व्यक्ति एक वचन से फलम ही रहिब खाद्य तीटर कौन हो खाद्य ते जेहेतु फलम हूँ ये एक वचन अच्छी तेणु तापाई क्रियापदर एक वचन आम प्रयोग करवा यक प्रत्यय लगे खाद्य ते तार अर्थ कौन हो माकड़ द्वारा गच्छरु फल गुड़ी खिया जा। चतुर्थ उदाहरण तुम मया सह ग्रामम गच्छसी तुम्हें मो सहित गाँ को जाऊ। ताले इटे देख पे त्वम गच्छसी जेहेतु त्वम हूँ युष्म शब्द रहा से गच्छसी सी मध्य रहा कौरे मध्यम पुरुष रहा कर्ता अनुसार क्रिया चलना। तापर देखा आम जेहेतु सह पद लगी तेणु मया माने से तृतीय विभक्ति जितेबाला वाच्य परिवर्तन करिबा कौन हम ना त्वम पदटा कौन हो तृतीय विभक्ति को पलि आस त्वया मया मयाटा जेहेतु अच्छी ये कौन आम तृतीय विभक्ति अच्छी तो आम तृतीय कौन सी प्रकार परिवर्तन करिबा नहीं कारण आम कर्तृवाच्य रु कर्मवाच्य को करूचे कर्मवाच्य को कला बेले वन इजुक्वाल टू थ्री टू इजुक्वाल टू वन नियम को आम मानवा तो ये आसब कौन मया को जमी सेमी रखिदे मया सह ग्रामम तो ग्रामम ये कौन हो द्वितीय विभक्ति अच्छी तेणु ताक आम प्रथम विभक्ति परिवर्तन करिबा ताले कौन हो ग्राम गच्छसी गच्छसीटा को बर्तमान आम कौन करिया पिले मूल धातु को नहीं आसवा गम धातु यक प्रत्यय लगर से कौन हो गम्यते हो कहीं गम्यते है ना जेहेतु ग्राम हाँ ग्राम ये गला कौन कर्ता तेणु से अनुसार आम प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन को प्रयोग करवा किंतु पूर्व वाक्य कौन थिला जेहेतु युष्म शब्द से कर्ता थिला तापाई आमे मध्यम पुरुष को क्रियापद नहीं जेहेतु कर्ता है जो साधारण शब्दा तेणु तार क्रियापद कौन आसीब प्रथम पुरुष आसीब। वर्तमान गोटे अकर्मक धातु उदाहरण देखा देख बालक शीघ्र धावति ताने कौन ना बालकटी जोरे धाऊँच जोरे धाऊँच बोली कहटा शीघ्रटा हूँ कौन धाईबार विशेषणटा यहाँ तेणु ये कौन सी प्रकार कर्म ही ना जमी आम कहते बालकटी भात खाऊ तो भातटा से गोटे कर्म था ये कौन सी प्रकार कर्म ही ना जेहेतु ये कर्म ना तेणु धातुटा आम कौन हो गला ना अकर्मक धातु हो गला जितेबाला तुम पाखे एमती किसी वाक्य थी जहाँ कि अकर्मक आम कौन परिवर्तन करवा भाववाच्य परिवर्तन करवा सबुठ सहज हूँ भाववाच्य तुमको मुझे बुझे थी कहीं क्रियापदा सदा बेले किपर हम आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन ही प्रयोग हम माने लभते केवल लभते वार्डटा को ही तुमको मन रखा पड़ो जो आम भाववाच्य करवा अर्थात धातु सहित यक प्रत्यय लगे ता सहित केवल ते ही प्रयोग हम बुझीला तो आम यू बर्तमान परिवर्तन कले कौन हो बालक वन इज इक्वल टू थ्री ते बाकी शीघ्र शीघ्र को शीघ्र भाव ही रखिदे हैला धावती धावती रे कौन है धाव धातु अच्छी धाव धातु रु यक प्रत्यय लगेदे कह धाव्य जाए पलि आसला एवं ते लगेदे रूप कहला बालक न शीघ्र धाव्यते तो से भाया आम अलग किसी उदाहरण सब देखा वृक्षात पत्राणी पतंती वृक्षर पत्र गुड़िक पड़ुंती तार रूप कौन हो वृक्षात पत्रे ही पत्यते ये कहीं पत्रे ही जापार ना पत्राणी पत्रम पत्रे पत्राणी सी है प्रथम विभक्ति बहुवचन अच्छी से आम कौन कले तृतीय विभक्ति बहुवचन करदे तो अनुसार कौन हो गलापटे पत्यते पत्येते पत्यंते। तृतीय उदाहरण त्वम अत्र क्रीडसी तुम्हें एठारे खेलुच तार भाववाच्य कले कौन हम जेहेतु कर्म ना त्वम रही त्वया अत्र जमी सेमती रीडसीटा कौन हो क्रीड्यते जेहेतु कर्म ना तर कौन हो गला क्रीड्यते स्वा प्रांत भ्रमति स्वा माने पिले कुकुर तो स्वा शब्दर तृतीय विभक्ति एक वचन कौन हम सुना सुना प्रांत भ्रम्यते एक वचन ही चलला कुकुरटी प्रांतर भ्रमण करुच्ची तार वाच्य परिवर्तन कले कौन हो कुकुर द्वारा प्रांतर भ्रमण करा जाउच्ची। त
तेरे पिले आमे देखिले तिंगंत बा जो क्रियापद मानकर वाच्य परिवर्तन समय रे कोन कोन परिवर्तन होची आशा करची वीडियो डी आपण मान पय निहाती हेल्पफुल होई पारथिबो पिले वीडियो डी को यथासंभव निज संग मानक सहित शेयर करंतु कारण ए विषय गुडा को आमे जानिबा निहाती दरकार प्रत्येक परीक्षा रे गुडा का आसे आगामी वीडियो पय मो चैनल सहित जोडी हेकि रहंत धन्यवाद।